as we have already discussed the different kinds of theories of divorce under Hindu Marriage Act. Now we will discuss the different kinds of marriages. We have discussed different theories of divorce like fault or offense or guilt or frustration of marriage theory. We have discussed irretrievable breakdown of marriage theory. And at last, we have discussed consent or will theory of divorce. अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में हमने डिफरेंट काइंड्स ऑफ थियरीज ऑफ डाइवोर्स के ऊपर बात किया. ना केवल हमने डिफरेंट काइंड्स ऑफ थियरीज ऑफ डाइवोर्स को देखा, उसके साथ साथ हमने एक कॉम्परेटिव स्टडी भी किया कि ये जो तीनों डिफरेंट काइंड्स ऑफ थियरीज ऑफ डाइवोर्स हैं, इनके बीच क्या बेसिक डिफरेंसेस है. इस वीडियो में हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैरिजेस के बारे में बात करेंगे. अगर आपने मेरे अब तक के वीडियोस को प्रॉपरली फॉलो किया है तो आप आसानी से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो बिटवीन वैलिड मैरिज, वॉइड मैरिज एंड वॉइडेबल मैरिज, राइट. तो अगर आप वैलिड मैरिज, वॉइड मैरिज और वॉइडेबल मैरिज को अच्छे से समझना चाहते हो तो आपको हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 5, सेक्शन 7, सेक्शन 11 और सेक्शन 12, इन चार सेक्शंस को अच्छे से पढ़ना होगा. इन सेक्शंस के ऊपर सेपरेट वीडियोस ऑलरेडी पड़े हुए हैं, तो आप प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं. फिर भी अगर आप इस वीडियो में नए हो तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं इस तरह से एक्सप्लेन करूं कि ये सभी सेक्शंस एक बार आपको रिवाइज हो जाए और आप आसानी से वैलिड मैरिज, वॉइड मैरिज और वॉइडेबल मैरिज समझ सको, राइट. सेक्शन 5 बेसिकली कंडीशंस ऑफ हिंदू मैरिज के बारे में बात करता है. कंडीशंस ऑफ हिंदू मैरिज, राइट, जिसमें ये कहा गया है कि फॉर अ वैलिड हिंदू मैरिज देयर मस्ट बी 5 कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड एट द टाइम ऑफ सोलेमनाइजेशन ऑफ मैरिज. एक वैलिड हिंदू मैरिज के लिए इन 5 कंडीशंस का फुलफिल होना एक कंपल्सरी कंडीशन है. इट इज अ कंपल्सरी कंडीशन, राइट. तो बेसिकली सेक्शन 5 में 5 कंडीशंस दिया हुआ है और किसी हिंदू मैरिज को हम वैलिड हिंदू मैरिज तब कहेंगे जब वो मैरिज बखूबी इन 5 कंडीशंस को जो कि सेक्शन 5 में दिया गया है फुलफिल करता हो. और सेक्शन 7 बेसिकली बात करता है सेरेमनीज ऑफ हिंदू मैरिज के बारे में, जिसमें ये कहा गया है कि जो पार्टीज हैं जिनके बीच विवाह संपन्न हो रहा है, यानी हस्बैंड एंड वाइफ दोनों फ्री हैं कि दोनों एक दूसरे के सहमति से एट द टाइम ऑफ मैरिज विवाह के दौरान किन रिचुअल्स को, किन कस्टम्स को फॉलो किया जाएगा. दे आर फ्री टू चूज एज पर देयर विश, लेकिन उन सेरेमनीज, उन कस्टम्स में सप्तपदी का होना एक आवश्यक शर्त है. यानी उन सेरेमनीज, उन कस्टम्स में 7 फेरों का होना एक आवश्यक शर्त है. और जिस समय 7वां फेरा कंप्लीट होता है मैरिज संपन्न होता है, राइट. तो भाई वैलिड मैरिज वी मीन कि एक हिंदू विवाह जो सशर्त सेक्शन 5 और सेक्शन 7 के कंडीशंस को फुलफिल करता हो वो विवाह वैध विवाह है. दैट मैरिज इज वैलिड मैरिज. इट मीन्स हैविंग एग्जिस्टेंस इन आईज ऑफ लॉ. राइट. अब
सेक्शन फाइव क्या है? तो सेक्शन फाइव में जो पांच कंडीशंस हैं, आइए उन्हें एक बार हम रिवाइज करते हैं। सबसे पहला क्या है कि नाइदर पार्टी हैज लिविंग स्पाउस एट द टाइम ऑफ मैरिज, दोनों में से यानी पति और पत्नी में से किसी का भी विवाह के समय तक कोई पूर्व जीवित पति या पत्नी नहीं होना चाहिए। दूसरा, एट द टाइम ऑफ मैरिज, विवाह के समय तक नाइदर पार्टी इज इनकैपेबल ऑफ गिविंग अ वैलिड कंसेंट इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। विवाह के समय तक दोनों पार्टी में से कोई भी इनकैपेबल नहीं होना चाहिए वैलिड कंसेंट देने में बिकॉज ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। और सेक्शन फाइव सब सेक्शन टू क्लॉज बी क्या कहता है कि कैपेबल है वैलिड कंसेंट देने के लिए, लेकिन मेंटल डिसऑर्डर से इस कदर ग्रसित है कि वो अनफिट है फॉर मैरिज और फॉर प्रोक्रिएशन ऑफ चाइल्ड। और इसी में कहता है कि दोनों पार्टी में से किसी को भी रिकरेंट अटैक्स ऑफ इंसैनिटी ना आता हो एट द टाइम ऑफ मैरिज, यानी पागलपन के दौरे बार बार ना आते हो विवाह के समय तक। तीसरा कंडीशन क्या है कि जो दूल्हा है हैज कंप्लीटेड एटलीस्ट 21 इयर्स ऑफ एज, और दुल्हन ने एट द टाइम ऑफ मैरिज कम से कम 18 इयर्स ऑफ एज कंप्लीट कर ली हो। जो फोर्थ कंडीशन है वो ये है कि जिन दो पार्टीज के बीच विवाह संपन्न हो रहा है वो डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में ना आते हो। अगर डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आते हैं फिर भी उनके बीच का जो मैरिज है उसे वैलिड माना जाएगा तब जब उनके कस्टम्स उनके रिचुअल्स इस बात की इजाजत देते हो, दोनों के कस्टम्स दोनों के रिचुअल्स उस मैरिज को आइडेंटिफाई करते हो। और पांचवा क्या है, डिग्रीज ऑफ सपेंड रिलेशनशिप में ना आते हो, राइट लेकिन सपेंड रिलेशनशिप में होते हुए भी उनके बीच जो मैरिज है उसे वैलिड तब माना जाएगा जब उनके कस्टम्स उनके रिचुअल्स इस बात की इजाजत देते हो। तो बेसिकली सेक्शन फाइव में पांच कंडीशंस हैं, और अगर कोई हिंदू मैरिज सोलेमनाइज हुआ है इन पांचों कंडीशंस को फुलफिल करते हुए तो वो मैरिज वैलिड मैरिज है। और जो दूसरा सेक्शन है वो है सेक्शन सेवन, जो कि बात करता है सेरेमनीज ऑफ हिंदू मैरिज के बारे में। सेक्शन सेवन पार्टीज को ये फ्रीडम देता है कि वो आपसी सहमति से विवाह के दौरान वो किन रस्मों को किन रिचुअल्स को फॉलो करेंगे उसे डिसाइड करने के लिए वो फ्री हैं, लेकिन उन रिचुअल्स उन कस्टम्स में सप्तपदी का होना एक आवश्यक शर्त है। यानी कोई विवाह संपन्न हुआ है लेकिन उसमें जो सात फेरों का रस्म है वो नहीं हुआ है तो वो विवाह अपने आप में वैलिड नहीं है, वो लीगली एग्जिस्ट नहीं करता, राइट यानी फॉर अ वैलिड हिंदू मैरिज देयर मस्ट बी प्रॉपर फॉलोइंग ऑफ प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 5 एज वेल एज सेक्शन 7 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट इन ऑर्डर टू वैलिडेट एनी हिंदू मैरिज। तो अगर आप वैलिड मैरिज क्या है उसे डिफाइन करना चाहते हो तो उसके लिए आपको सेक्शन 5 और सेक्शन 7 दोनों सेक्शंस पढ़ना होगा, राइट। तो दूसरा टाइप है मैरिज का विच इज वॉइड मैरिज, यानी शून्य विवाह या जीरो मैरिज कह सकते हो। एक ऐसा मैरिज जिसका कोई लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है इन द आईज ऑफ लॉ, वो मैरिज वॉइड मैरिज है, राइट। इट डज नॉट ब्रिंग द रिलेशनशिप ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ बिटवीन द पार्टीज एंड इट इज नॉट नेसेसरी
for the parties to get a declaration for its nullity from the court. तो अगर आपका मैरिज void मैरिज है, यानी शून्य विवाह है, यानी वो मैरिज फ्रॉम इट्स वेरी बिगिनिंग, शुरुआत से ही उसका कोई लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है, और जब शुरुआत से ही कोई लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है तो यानी आपके बीच जो रिलेशनशिप है, जो राइट्स एंड लाइबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ फ्रॉम वैलिड मैरिज, वो एग्जिस्ट नहीं करता है, और आप कोर्ट से इस मैरिज को डिसॉल्व नहीं करा सकते हो, डिक्री ऑफ नलिटी नहीं ले सकते हो. क्यों? क्योंकि ये मैरिज अपने आप में वैलिड मैरिज है ही नहीं, कोर्ट इसे मैरिज मानता ही नहीं, राइट. तो देखो सेक्शन 11 इसके बारे में बात करता है. सेक्शन 11 वॉइड मैरिज को डिफाइन करता है. और ये कहता है कि एनी मैरिज सोलेमनाइज्ड आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट शैल बी नल एंड वॉइड राइट. तो कोई विवाह, कोई हिंदू विवाह जो कि संपन्न हुआ है इस एक्ट के कमेंसमेंट के डेट के बाद से, तो उसे नल एंड वॉइड माना जाएगा, डिक्री ऑफ नलिटी ग्रांट कर दी जाएगी. अगर जो विवाह संपन्न हुआ था वो इन वायलेशन ऑफ सेक्शन 5 क्लॉज 1 क्लॉज 4 क्लॉज 5 हुआ था, यानी अगर कोई हिंदू विवाह संपन्न हुआ है इस एक्ट के कमेंसमेंट के बाद जो सेक्शन 5 के क्लॉज 1 क्लॉज 4 क्लॉज 5 के वायलेशन में हुआ है, तो वो मैरिज अपने आप में वॉइड मैरिज है, हम उस मैरिज को वॉइड डिक्लेयर करा सकते हैं. सेक्शन 5 क्लॉज 1 बाइगामी के बारे में बात करता है. सेक्शन 5 क्लॉज 4 डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के बारे में बात करता है कि जिन दो पार्टीज के बीच मैरिज हुआ है वो दोनों पार्टीज डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आते थे, और उनके कस्टम्स, उनके यूसेज इस विवाह का इजाजत नहीं देते थे. सेक्शन 5 क्लॉज 5 सपिंडा रिलेशनशिप के बारे में बात करता है कि पार्टीज टू द मैरिज डिग्रीज ऑफ सपिंडा रिलेशनशिप में आते थे और फिर भी उनके बीच विवाह हुआ है, तो ये विवाह अपने आप में शून्य विवाह है, राइट. सो इफ अ मैरिज इज सोलेमनाइज बिटवीन टू हिंदूज एंड दैट मैरिज इज सोलेमनाइज इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 5 क्लॉज 1 क्लॉज 4 क्लॉज 5, दैट मैरिज इज वॉइड मैरिज, उसका कोई लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है. फिर आप कितना भी क्लेम कर लो कि आपके बीच विवाह हो चुका है, आप एज हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप में हो, उस मैरिज का कोई लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है, राइट. क्योंकि वो मैरिज फ्रॉम इट्स वेरी बिगिनिंग, जिस समय वो मैरिज सोलेमनाइज्ड हुआ उसी समय से क्या है, वॉइड माना जाएगा. तो इन सभी सेक्शंस के ऊपर हमने डिटेल लेक्चर दिया. अगर आप इन सभी सेक्शंस को सेपरेटली देखना चाहते हो तो आप मेरी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते थे. अब लास्ट जो हमारा मैरिज का टाइप है विच इज वॉइडेबल मैरिज, यानी शून्य करणीय विवाह, राइट. तो एक तरफ जब हम वॉइड मैरिज के बारे में बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये मैरिज शुरुआत से ही, इस मैरिज का कोई लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है. लेकिन जब हम वॉइडेबल मैरिज के बारे में बात करते हैं तो इसमें बेसिकली ये जो मैरिज है वॉइडेबल मैरिज, इसका एग्जिस्टेंस एज वैलिड मैरिज तब तक बना रहेगा जब तक दोनों पार्टीज में से कोई एक पार्टी किसी फॉल्ट या किसी मैरिटल डिफेक्ट के बेसिस पर
इस मैरिज को डिसॉल्व कराने के लिए कोर्ट में पिटीशन फाइल नहीं कर देता है या कर देती है। तो जब तक इस मैरिज के डिसॉल्यूशन के लिए कोर्ट में पिटीशन नहीं फाइल कर दिया जाता है, तब तक ये जो मैरिज होगा वो वैलिड मैरिज माना जाएगा और पार्टीज के बीच जो रिलेशनशिप होगा वो एज हस्बैंड एंड वाइफ रहेगा। राइट। तो इन केस ऑफ वॉइडेबल मैरिज ड्यू टू सम डिफेक्ट इन मैरिज, मैरिज में किसी डिफेक्ट के वजह से जो अग्रीव्ड पार्टी है, अब ये जो अग्रीव्ड पार्टी है वो वाइफ भी हो सकती है या हस्बैंड भी हो सकता है। अग्रीव्ड पार्टी के पास वॉइडेबल मैरिज के केस में किसी मैरिटल डिफेक्ट की वजह से ये ऑप्शन दिया जाता है कि वो इस मैरिज को डिसॉल्व करा सकता है, अपने आप को उस वेडलॉक से अलग कर सकता है या कर सकती है। लेकिन जब तक वो ऐसा नहीं करता है तब तक उनके बीच जो रिलेशनशिप होगा वो एज हस्बैंड एंड वाइफ एग्जिस्ट करेगा और जो मैरिज होगा वो वैलिड मैरिज के स्टेटस में होगा। तो क्या डिफेक्ट्स हो सकती है जिनके बेसिस पर अग्रीव पार्टी मैरिज को डिसॉल्व कराने के लिए पिटीशन फाइल कर सकता है? इट इज अप टू हिम और हर। सबसे पहला कंडीशन है इम्पोटेंसी। सबसे पहला और सबसे बड़ा जो डिफेक्ट है वो है इम्पोटेंसी। आइदर पार्टी टू द मैरिज वॉज इम्पोर्टेंट एट द टाइम ऑफ मैरिज। विवाह के समय और विवाह के बाद भी दोनों में से कोई एक इम्पोर्टेंट है और उसके इम्पोर्टेंसी के वजह से मैरिज इज नॉट कंज्यूमेटेड। अब बारिश आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं शॉर्ट में इस वॉइडेबल मैरिज को समझा दूं और ये लेक्चर यहीं खत्म करूं, ठीक। क्योंकि छत पे वीडियो बनाता हूं तो बारिश आ जाएगा फिर वीडियो खराब हो, ठीक। तो पहला क्या है? इम्पोर्टेंसी। और उस इम्पोर्टेंसी की वजह से अभी तक कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज नहीं हो पाया। दूसरा क्या है? कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 5 क्लॉज 2, यानी एट द टाइम ऑफ मैरिज दोनों में से कोई एक अनसाउंडनेस ऑफ माइंड से सफर कर रहा था या कर रही थी और अभी भी ऐसा है। तीसरा, विवाह के समय जो कंसेंट था वो बाय फोर्स या बाय फ्रॉड ऑब्टेन किया गया था, फ्री कंसेंट नहीं था। और लास्ट है प्री मैरिज प्रेगनेंसी। जो वाइफ है सी वॉज ऑलरेडी बीइंग प्रेग्नेंट बाय सम अदर पर्सन, नॉट बाय हस्बैंड। तो ये जो लास्ट ग्राउंड है ये हस्बैंड के फेवर में, राइट। इन चार या एक से अधिक ग्राउंड्स के बेसिस पर जो दूसरा पार्टी है, जो अग्रीव पार्टी है, उसके पास ये ऑप्शन है कि वो अपने मैरिज को रिजॉल्व करा सकता है, कोर्ट में पिटीशन फाइल कर सकता है और अपने आप को उस वेडलॉक से बाहर कर सकता है। तो वॉइडेबल मैरिज के लिए चार ग्राउंड्स हैं और वॉइडेबल मैरिज को हमने डिटेल में समझा है। तो आई होप कि इस लेक्चर में जो कॉन्सेप्ट है वैलिड मैरिज, वॉइड मैरिज और वॉइडेबल मैरिज का, ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है, मेरे एफर्ट्स किसी भी तरह से आपको हेल्पफुल लगते हैं, प्लीज चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, बिकॉज आई बिलीव टुगेदर वी लर्न टुगेदर। थैंक यू।